सो हेलो YouTube फैमिली, स्वागत है आपका अपने चैनल द एंटरटेनिंग एंड पर। एक्सपेंडेबल 4 आज यानी 22 सितंबर को रिलीज हो चुकी है। एक्सपेंडेबल 4 एक्सपेंडेबल फ्रेंचाइजी की फोर्थ इंस्टॉलमेंट है और ये मूवी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज की गई है और मैंने इसका हिंदी डब्ड वर्जन देखा है। ये एक मल्टी स्टार कास्टिंग वाली मूवी है। इसमें ऐसे बहुत से बड़े चेहरे हैं जो कि 90s के दशक में अपने एक्शन रोल्स के लिए जाने जाते थे। तो क्या आपको अपना कीमती समय और पैसा इन्वेस्ट करके ये मूवी देखना चाहिए? तो चलिए इस सवाल का जवाब जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपकी कोई राय है या आपकी कोई डिमांड है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। बात करें मूवी की स्टोरी की, तो मूवी में कोई खास स्टोरी नहीं है। ये बहुत ही आम सी एक्शन मूवी है, सिर्फ बेवजह का एक्शन है। एक्सपेंडेबल 4 पूरी फ्रेंचाइजी की सबसे वीक मूवी है। एक्सपेंडेबल 3 के रिलीज होने के 9 साल बाद ये मूवी रिलीज हुई, लेकिन अपनी पुअर स्टोरी लाइन के कारण मूवी में अपीयर हुए बड़े बड़े स्टार जैसे कि सिल्वेस्टर स्टलोन और जेसन स्टेथम भी इस मूवी को फ्लॉप होने से नहीं बचा पाए। मूवी में बहुत सा वॉयलेंस, ब्लड, गनशॉट और एक्सप्लोजन्स हैं। पिछली सारी एक्सपेंडेबल मूवीज में सिल्वेस्टर स्टलोन ही लीड रोल करते हुए नजर आए, लेकिन इसमें तो ऐसा लग रहा था कि सिल्वेस्टर स्टलोन एज ए गेस्ट अपीयर हुए हैं। मूवी का सारा भार जेसन स्टेथम के कंधों पर था और बाकी की कास्ट ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पिकनिक पर आई हो। इस मूवी से आप कुछ नया एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मूवी की स्टोरी बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। कुल मिलाकर अगर आपको बहुत सा एक्शन पसंद है या आप सिल्वेस्टर स्टलोन, जेसन स्टेथम या मेगन फॉक्स के डाई हार्ड फैन हैं तो ही आप इस मूवी को कंसिडर करना, नहीं तो आपका प्रेशस टाइम और मनी दोनों बर्बाद जाएंगे। बात करें इस मूवी की क्रिटिक रेटिंग की, तो IMDB ने इसे 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू एक्सपेंडेबल 4 का, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन कीप इंजॉय।